हेलो नमस्कार। बॉलीवुड की मूवीज़ बॉक्स ऑफिस में रिलीज़ हुई है 2022 में, लेकिन वो मूवीज़ आप कह सकते हैं कि कुछ कमाल कर ही नहीं पाई। ना तो कुछ मूवीज़ ऐसी थी बड़े स्टार्स की मूवी जो लोगों को पसंद आई, ना ही उन्होंने बॉक्स ऑफिस में कुछ कलेक्शन किया। वहीं अगर हम देखें तो मिड रेंज बजट की मूवीज़ और नॉन स्टार यानी कि जो कोई बड़ा स्टार नहीं है उनकी मूवीज़ ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है और लोगों को मूवीज़ भी पसंद आई है। आज इस वीडियो में बात करूंगा हाल ही में रिलीज़ हुई कुछ मूवीज़ के बारे में और बॉक्स ऑफिस में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। लेटेस्ट अपडेट अगर आपको इसी तरह से जानने हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। पहले हम बात करेंगे राम सेतु मूवी की, जो कि एक काफ़ी बड़े एक्टर अक्षय कुमार की मूवी है। राम सेतु जब कंट्रोवर्सी में भी बीच में घिरी रही थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जब इसे रिलीज़ किया गया तो उसके बाद मूवीज़ को लोगों ने कुछ पसंद भी किया। अगर हम एग्जैक्ट कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राम सेतु सीज सम इम्प्रूवमेंट ऑन डे 5 सैटरडे, आइडियली शुड हैव हिट डबल डिजिट्स, और ऑल आईज ऑन डे 6 संडे, ऑल्दो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच विल इफेक्ट बस ट्यूसडे 15 crore 25 lakh, वेडनेसडे 11 crore 40 lakh, थर्सडे 8 crore 75 lakh एंड फ्राइडे 6 crore 5 lakh। मूवी का कलेक्शन सैटरडे में इंक्रीज हुआ है, मूवी ने 7 crore 30 lakh का कलेक्शन किया है। फर्स्ट 5 डेज का मूवी का टोटल कलेक्शन 48 crore 75 lakh का होता है, लेकिन अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार के लिए ये कलेक्शन कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मूवी का जो 6th डे का कलेक्शन है वो लगभग 8 से 9 crore के आसपास रहने वाला है, यानी कि टोटल कलेक्शन मूवी जो है 50 crore क्रॉस कर जाएगी और लगभग 56 से 57 crore में पहुँच जाएगी। तो अक्षय कुमार की ये मूवी हिट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जितनी बुरी हालत बॉलीवुड की इस समय है उसको देखते हुए ये कलेक्शन एवरेज भी नहीं है, लेकिन बिलो एवरेज। वहीं दूसरी अगर हम बात करें, मूवी को 16 दिन रिलीज हुए कंप्लीट हो चुके हैं। इस मूवी का नाम है कंतरा। 16 दिन इस मूवी को रिलीज हुए कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये मूवी राम सेतु मूवी को टक्कर दे रही है, जी हाँ, जो कि इसी हफ्ते रिलीज हुई है। कांतरा मूवी की अगर हम बात करें तो हिंदी वर्जन में इस मूवी को सुपर रिस्पॉन्स मिला है ऑडियंस से। फ्राइडे में 2 crore 75 lakh, सैटरडे में 4 crore 10 lakh और अभी तक का टोटल कलेक्शन 38 crore 55 lakh। नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ और वो है हिंदी की। मैं आपको बता दूँ कि मूवी का जो अभी 70th डे का कलेक्शन वो लगभग 5 से 6 crore के आसपास है और मूवी का टोटल कलेक्शन जो है वो होगा लगभग 45 crore के आसपास। तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट तो हो ही चुकी है, लेकिन अब रुकने का ये मूवी नाम नहीं ले रही है। ऑडियंस को ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है और रिलीज़ होने के 16 दिनों के बाद भी मूवी का कलेक्शन इसके हाल ही के दिनों में जब भी रिलीज़ हुई थी ना स्टार्टिंग में, उससे ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का अब देखा जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी को बॉक्स ऑफिस में कितना बड़ा पुश मिला है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का, और लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही है। तो ये थी 2 मूवीज़ जो कि हाल ही में बॉक्स ऑफिस में रिलीज़ हुई है और बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन भी कर रही है। आपको क्या है कहना कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसी तरह से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मैं देता रहूँगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।